मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के साथ पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज की मुलाकात को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कोरोना की स्थिति और अनलॉक समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की जब भेंट होती है तो सभी विषय महत्वपूर्ण ही होते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश पंचायत स्तर तक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को ले गया और वहां से जिला होते हुए प्रदेश तक एक अभिनव प्रयोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया और सफल हुआ, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में डालेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आने वाली तीसरी लहर के प्रति क्या सावधानियां और क्या जरूरतें प्रदेश सरकार की हैं, ये विषय भी निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में डालेंगे। जहां भी हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात का अवसर राहुल गांधी को मिलेगा या उनकी टीम को मिलेगा, उनके गुरु दिग्विजय सिंह को मिलेगा, वो छोड़ेंगे नहीं। चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे राम की बात हो, चाहे कुंभ के स्नान की बात हो, आप देखिए आस्था के हर केंद्र पर हमला करने की ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कोशिश करते हैं। कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है, लगभग रसातल की ओर जाता कोरोना है। संक्रमण की दर अब आधा प्रतिशत से भी नीचे आ गई है, -2.2 संक्रमण दर है। वहीं ठीक होने की दर हमारी 98.4 है। 22 जिले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां कल कोई भी प्रकरण कोरोना का नहीं आया है। जैसे जैसे परिस्थिति में सुधार आता जा रहा है, वैसे वैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कोरोना कम होना और तीसरी लहर के प्रति हमारा सचेत रहना, इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाते हुए हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। सावधानी का आग्रह आप ही के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाते हैं। आप हमारे सेतु हैं और आपके माध्यम से पुनः हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि जैसा बाजार खुलने का इंतजार आप लोग कर रहे हो, वैसे ही कोरोना भी बाजार खुलने का ही इंतजार कर रहा है। इसलिए हमें सावधानी पूरी रखना चाहिए।